हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्टडी सेंटर। टुडे आवर टॉपिक ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग इन विच ए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर लिंक्स टू ईच अदर लाडर कम्युनिकेट्स टू ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा एप्लीकेशन एनी दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग आर मेनली आर ऑफ फोर टाइप्स That is LAN, MAN, WAN, and PAN. Local area network, metropolitan area network, wide area network, and personal area network. Both local area network and metropolitan area network are already discussed in the last video. Now I discuss in this video wide area network. WAN, wide area network. वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या था कि विद इन द बिल्डिंग नंबर ऑफ जो हार्डवेयर डिवाइसेज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, तो उन चीज को हम क्या बोलते थे, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें एक पर्टिकुलर ओनरशिप होती थी किसी एक की, कि जो एक किसी एक का नेटवर्क होता था जो पूरी बिल्डिंग को, पूरी स्कूल को, पूरे हॉस्पिटल को, मान लीजिए, तो उसको क्या करें, नेटवर्क प्रोवाइड करता था, उनके हार्डवेयर डिवाइसेज को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता था, उस चीज को हम क्या बोलते थे, लोकल एरिया नेटवर्क। अब वही हम बिल्डिंग से बाहर निकल के हम सिटी में आते हैं, सिटी में क्या है कि पूरी सिटी में जितनी भी ब्रांचेस हैं, मान लीजिए स्कूल है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं स्कूल सिटी के अंदर, और वो नंबर ऑफ ब्रांचेस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस चीज के हम नेटवर्क को हम क्या बोलते थे, मैन। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नंबर ऑफ ब्रांचेस के अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस हॉस्पिटल से कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे मैन। अभी मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, मैंने इस हॉस्पिटल में कॉल किया, मान लीजिए ये हॉस्पिटल है और मोबाइल से मैंने कॉल किया, मेरा मोबाइल पहले टावर पे गया, तो ये टावर आपका विद इन सिटी में, तो यहाँ तक तो आपका मैन नेटवर्क था, बट यहाँ से निकल के जैसे ही हमारा नेटवर्क चला गया सेटेलाइट के पास, अभी आप विद इन सिटी में हो, मान लीजिए ये बेंगलोर सिटी है या दिल्ली सिटी है, तो आपने यहाँ से कम्युनिकेट किया आप टावर के बाद, टावर ने किया टावर तक, तो आपका क्या था, एक मैन नेटवर्क था, बट जैसे ही टावर से आपका नेटवर्क जो सिटी के बाहर आपका सैटेलाइट में चला जाता है, सैटेलाइट में होने के बाद दोबारा आप ही की सिटी में आ जाता है, तो उस चीज के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आप विद इन द बिल्डिंग हो और वो आप कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू मोबाइल, आप व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो, तो वो मोबाइल आपका व्हाट्सएप किसके साथ कनेक्ट है, आपका सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है, तो सैटेलाइट के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए कोई सिटी है, जैसे ये एक सिटी में, ये दोनों एक सिटी में, दिल्ली में हो गया और ये आपका बेंगलोर में है, अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना, आपस में इन चारों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये दिल्ली में है, ये बेंगलोर है, ये आपका यूपी में आ गया, ये बिहार में आ गया, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सभी थ्रू सैटेलाइट, और सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर आते हैं। अगर आपकी कंट्री, अगर किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर रही है, हमारी अमेरिका है ये इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, तो ये अमेरिका और इंडिया का कनेक्शन किससे है, आपका थ्रू सैटेलाइट के थ्रू, तो सैटेलाइट के थ्रू जो भी कनेक्शन है आपका, वो क्या है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। आपका ओनली सैटेलाइट के थ्रू नहीं, आप फिजिकल मीडिया के थ्रू कनेक्ट है, मान लीजिए पूरी कंट्री को मैंने एक फिजिकल मीडिया के थ्रू, आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को हम पूरा जो कंट्री में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क है क्या। वाइड एरिया नेटवर्क दैट एक्सटेंड अवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्री। एक स्टेट का भी सिटी, पहले सिटी से निकल के हम स्टेट में आ गए, स्टेट से निकल के कंट्री में आ गए, तो एक एक सिटी के नेटवर्क को, एक एक सॉरी एक स्टेट के नेटवर्क को, एक कंट्री के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की क्वाइट बिगर देन लैन और मैन। लैन एक विद इन द बिल्डिंग था और बिल्डिंग से निकल के सिटी में आ गए हम, जो है मैन था। अब इन दोनों को मिला के भी क्या बनता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड को एक कनेक्ट करके रखता है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की नॉट लिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं होती टू ए सिंगल कनेक्शन, बट इस पैन अवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू ए टेलीफोन लाइन
फाइबर ऑप्टिकल केबल और सैटेलाइट लिंक। मान लीजिए कोई आपने जो फिजिकल मीडिया के थ्रू आपने कोई सिटी किसी कंट्री को किसी स्टेट को आपने कोई नेटवर्क प्रोवाइड किया, टेलीफोन लाइन के थ्रू के कोई आपने टेलीफोन प्रोवाइड किया है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हैव ए लार्ज कैपेसिटी कनेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर के कनेक्ट होते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ लैन और मैन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लैन एंड मैन का कॉम्बिनेशन है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने लार्ज एंड इनहेरिटेड स्केल्स। मोबाइल ब्रॉडबैंड ए 4G नेटवर्क ही वाइडली यूज अक्रॉस ए रीजन और कंट्री। ये 4G नेटवर्क मैंने एक कंट्री के अंदर दे दिया, जहाँ एक सिटी के अंदर दे दिया, जहाँ एक स्टेट के अंदर दे दिया, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट माइल ए टेलीकॉम कंपनी यूज टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस टू द कस्टमर इन द हंड्रेड ऑफ सिटीज बाय कनेक्टिंग देयर होम विद फाइबर। आपने देखा होगा कि फाइबर के साथ आपको आप इंटरनेट यूज करते हो, अपने घर में वाईफाई लगवाते हो, एक फाइबर लगवाते हो, तो उस फाइबर के साथ जो टेलीकॉम कंपनी हो आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है थ्रू सैटेलाइट या राउटर देती है, प्रोवाइड करती है, और राउटर आपके आगे जाके आपको सैटेलाइट के कम्युनिकेट करता है, तो उस चीज को नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ए प्राइवेट नेटवर्क, ए बैंक प्रोवाइड ए प्राइवेट नेटवर्क दैट कनेक्ट द 44 ऑफिस। दिस नेटवर्क इज मेड बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन लीज लाइन प्रोवाइडेड बाय टेलीकॉम कंपनी। मान लीजिए कोई नेटवर्क कोई किसी बैंक ने क्या किया, कोई नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क परचेज किया, जैसे प्राइवेट आईपी वगैरह होती है तो परचेज की उसने, तो उसने उस नेटवर्क को क्या किया, सिक्योर किया, एक फायरवॉल लगाया, एक मेन जो उसका हेड था हेड ऑफिस बनवाया, वहां एक उसने फायरवॉल लगवाया, और उससे क्या किया उसने क्या किया, लीज लाइन एक मान लीजिए जो ऑप्टिकल फाइबर से थ्रू आपने क्या क्या किया, और ने पूरे पूरे कंट्री में क्या 44 ऑफिस में अपना क्या कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया। तो जो उस तरीके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, हम वाइड एरिया नेटवर्क। फॉल्ट टॉलरेंस हमने लोकल एरिया नेटवर्क के नाम हमने से देखा था कि लोकल एरिया नेटवर्क में फॉल्ट टॉलरेंस बहुत इजी था और आपका जो कंजेक्शन था वो लेस था, बट मैन में क्या क्या था, आपका फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ गया और क्या आपका कंजेक्शन भी ज्यादा बढ़ गया। अभी मैन में क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क में जो आपका फॉल्ट टॉलरेंस है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि आप उसमें फॉल्ट यू हैव ना फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि इतना बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रखा है, उसमें फॉल्ट टॉलरेंस करना बहुत इजी नहीं है। और कंजेक्शन जैसे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रखा है तो नंबर ऑफ जो हार्डवेयर डिवाइसेस का कंजेक्शन है वो बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ कंजेक्शन भी बढ़ गया। दे प्रोवाइड अपलिंक फॉर कनेक्टिंग लैन एंड बैंड टू द इंटरनेट। लैन और बैंड को क्या करे, अपलिंक प्रोवाइड करता है कनेक्टिंग के लिए, किसके लिए था, इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए था। कम्युनिकेशन लिंक्स आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक का कैरियर लाइक टेलीफोन नेटवर्क, नेटवर्क प्रोवाइडर केबल सिस्टम एंड सेटेलाइट। कम्युनिकेशन लिंक्स प्रोवाइड करता है किसके साथ, टेलीफोन नेटवर्क को, नेटवर्क प्रोवाइडर केबल लिंक केबल के सिस्टम को, सेटेलाइट को। टिपिकली दे हैव लो डाटा ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट लो है क्योंकि ये क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस बढ़ जाते हैं तो आपका क्या है, ट्रांसफर रेट जो है कम हो जाता है, आपकी केबलिंग बढ़ जाए तब भी आपका हार्डवेयर डिवाइस तब भी आपका जो है ट्रांसफर रेट वो है कम हो जाता है। हाई प्रोपोगेशन डिले दैट ही दे हैव लो कम्युनिकेशन स्पीड। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट एंड एजुकेशन में यूज होता है। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट के आप जैसे मोबाइल के साथ कनेक्ट है, वो मोबाइल के आपका है सेटेलाइट के साथ कनेक्ट है, आपके टावर आपके जाके मेन हब से कनेक्ट होगा, हब मेन जो हब मतलब मेन जो सेंटर आपका मेन जो इनका ऑफिस होगा, जो सेंट्रल ऑफिस होगा उसके साथ कनेक्ट होगा, वो सेंट्रल ऑफिस जो टावर है वो आपका सेटेलाइट के साथ कनेक्ट है, तो मोबाइल आपका जो है एक इंटरनेट है जो आपका सेटेलाइट के साथ कनेक्ट है, तो ये बाय वैन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दे फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सिस। दे जनरल हैव ए हाई बिट रेट एरर रेट। एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इंक्लूड इजी ऑफ कम्युनिकेशन। इजी ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जैसे आप पहले मान लीजिए कि पहले जो आपका जो डाटा था जो आप इंटरनेट यूज करते थे वो क्या था, आपका 2G था, फिर उसके बाद 3G आया, देन अब 4G, अभी तो 5G आने लगा, तो ये आपका कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होता जा रहा है, तो इजी ऑफ कम्युनिकेशन हो गया।
आपका एडवांटेज। और क्या आएगा, लार्ज नेटवर्क को कवर करता है, लार्ज बहुत पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, लार्ज नेटवर्क को कवर है। इवन कि आपका जो कॉन्टिनेंटल जो है, जैसे कोई आपका मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, जैसे सैटेलाइट के थ्रू आप कैसे में कनेक्ट कर रहे हो, जैसे पनडुब्बी वगैरह या शिप वगैरह जो आपके ओशियन में होते हैं उनसे भी कनेक्ट कनेक्शन हो सकता है आपका। तो ये क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है, एक इसकी एडवांटेज है कि वाइड एरिया नेटवर्क की शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द लार्ज एरिया, इन्फॉर्मेशन एरिया में कि बहुत ज्यादा क्या, हम जहाँ से यूएसए तक की अपना इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं। मैसेज कैन बी सेंट वेरी क्विकली टू एनी वन लेस टू दान, वही बताया कि अपना ईज ऑफ कम्युनिकेशन अब जो है बहुत आपका फास्ट हो गया है। इट सपोर्ट द ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेस, कैन कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो वर्ल्ड में पूरे क्या आते हैं, आपका ओशन भी आते हैं, आपका डेजर्ट भी आते हैं, उन आपके क्या 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 पहाड़ माउंटेन भी आते हैं, सबको कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहा है थ्रू वैन नेटवर्क। सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हो सकता है कोई बैंक है, उसने क्या किया, मैंने बताया था जैसे कि कोई हेड ऑफिस है दिल्ली में, कोई हेड ऑफिस है उसके 44 ऑफिस है पूरे इंडिया में, तो 44 ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए उसने लीज लाइन ले ली, एक लीज लाइन परचेज कर ली, और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पूरे नेटवर्क को, पूरे ऑफिस को उसने कनेक्ट कर लिया। तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, वैन। सिक्योरिटी के मामले भी है ठीक है, इंक्लूसिव इंक्रीजिंग बैंडविड्थ यूज ऑफ लीज लाइन एज अपोज टू द ब्रॉडबैंड कनेक्शन, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो उसके मुकाबले अगर आप लीज लाइन से कनेक्ट करो, या एक आप एक कोएक्सियल केबल से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो, तो उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड कनेक्शन की ज्यादा होती है, तो इसकी क्या बोलती है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है थ्रू लीज लाइन के थ्रू। डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, डिसएडवांटेज ऑफ वैन्स इंक्लूड, वैन नेटवर्क आर मच मोर एक्सपेंसिव देन होम और कॉर्पोरेट इंटरनेट, वैन दैट क्रॉस इंटरनेशनल एंड अदर टेरिटरी बाउंड्री फॉल अंडर डिफरेंट लीगल रेस्ट्रिक्शन, डिस्प्यूट कैन अराइज बिटवीन गवर्नमेंट और ओनरशिप राइट्स एंड नेटवर्क यूजर रिस्ट्रिक्शन। देखा आपने कई कंट्री देखा होगा कि कई कंट्री क्या करती है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या बोलते हैं बैन लगाती है, जो अगर वाइड नेटवर्क क्या है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री को अगर कनेक्ट कर रहा है तो वही सेम वाइड नेटवर्क क्या करेगा, उसके ऊपर लीगल जरिस्टिकेशन लगाता है, लीगल उस पे आपके बोल सकती हो कि कोई स्टॉपेज में लगा सकता है, लीगल उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि इससे क्या करता है कि इस लिमिट का ही इंटरनेट हमारे इधर यूज हो सकता है। जैसे कई कई कंट्रियों में आपका व्हाट्सअप जो है बैन है, कई कंट्रियों में आपका यूट्यूब बैन है, तो इस तरीके की जो जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो गवर्नमेंट लगाती है हर चीज। जैसे आपने देखा वो कंडे हमारे इंडियन कंट्री में भी कई जो है सॉफ्टवेयर है उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन आती है उसे वाइड एरिया नेटवर्क को उससे निकलना पड़ता है। ग्लोबल वैन्स रिक्वायर द यूज ऑफ अंडरसी नेटवर्क केबल टू कम्युनिकेट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, अंडरसी केबल इज जस्ट टू स्टॉप एंड अन इंटेंशनल ब्रेक फ्रॉम द शिप्स एंड वेदर कंट्री, अन इंटेंशनल ब्रेक मतलब कि किसी की इंटेंशन नहीं है उसको ब्रेक करने की, बट एज एक्सीडेंटली बोल सकते हैं कि शिप की या फिर वेदर कंडीशन के थ्रू क्या हो, शिप के जो आपकी जो केबल है वो क्या बोलते हैं डैमेज हो जाती है या टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। कंपेयर टू अंडरग्राउंड लैंड लाइन्स, अंडरसी केबल्स टेंड टू मेक मच मोर लॉन्गर एंड कॉस्ट मच मोर टू रिपेयर। अगर जो हम कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट हमने फिजिकल मीडिया के थ्रू उसको कनेक्ट किया है, मान लीजिए कोई एक वे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है समुद्र से निकलती है आपके सी से होके पूरा निकलेगी, तो और जो आपकी शिप्स वगैरह है वो एक्सीडेंटली उसको क्या करें कभी ब्रेक कर देते हैं, जहाँ तो क्या हुआ कोई वेदर कंडीशन तो मान लीजिए कोई आपका फिश मान लीजिए जो कोई कोई ऐसे जो आपके जो क्या बोलते हैं सीज एनिमल है उन्हीं उनकी वजह से क्या बोलते हैं डैमेज हो जाती है, तो उस चीज को रिपेयर करने में काफी ज्यादा कास्ट आ जाती है और उस चीज को एस्टेब्लिश करने में भी काफी ज्यादा कास्ट आ जाती है, तो ये किसका डिसएडवांटेज हो सकता है, हाई सेटअप टू कास्ट। अभी पूरे वाइड एरिया नेटवर्क को हम अगर काउंट करने लगे तो ये बहुत ज्यादा कास्टली है पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क को, क्योंकि एक सैटेलाइट के समय कम्युनिकेशन को हो रहा है तो सैटेलाइट के कम्युनिकेशन तो वो ऑलरेडी कास्टली है ही है। पॉसिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी गैप, अब इतना बड़ा नेटवर्क है उसमें कोई ना कोई लूप होल तो रह ही जाएगा, तो ये है कि सिक्योरिटी गैप भी मान सकते हैं हम। नीड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल, आपने देखा होगा जैसे कोई मैंने बताया था कि एक आपके ऑफिस है कोई बैंक का, जिसने पूरे 44 ऑफिस जो है आप कंट्री में अपने
जो है कम्युनिकेट करने के लिए एक फिजिकल मीडिया, एक लीज लाइन के थ्रू कम्युनिकेट कर रखा है। उस लीज लाइन को उसने सिक्योर करने के लिए वो क्या करेगा, वो जो कंपनी है, वो ऑफिस है, जो बैंक है, वो क्या करेगा, एक फायरवॉल का सिक्योरिटी के तौर पे एक फायरवॉल लगा देगा, जिससे क्या करेगा कि बाहर का कोई भी जो है वो उसके नेटवर्क में घुस नहीं सकता, और घुसने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल के थ्रू उसको निकलना पड़ेगा, फायरवॉल ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये चीजें उसको सिक्योरिटी के लिए उसको लगानी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो ये भी इसको एक डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।